नमस्कार, एमएन इंडिया टीवी से मैं हूं भास्कर सुमन। इस साल की बहुत चर्चित फिल्म दी बैटल ऑफ भीमा कोरेगांव की रिलीज डेट आ गई है। इस फिल्म के निर्माता निर्देशक रमेश थेटे ने फिल्म की रिलीज डेट अनाउंस की है। उन्होंने कहा है कि दी बैटल ऑफ भीमा कोरेगांव 17 सितंबर 2021 को रिलीज होगी। देश के विभिन्न 5000 सिनेमा घरों में यह फिल्म प्रदर्शित होने वाली है और इस फिल्म के लिए एडवांस बुकिंग भी शुरू हो चुकी है। इस फिल्म में बॉलीवुड के बड़े सितारे अर्जुन रामपाल, अभिमन्यु सिंह, कृष्णा अभिषेक, सनी लियोनी, दिगांगना सूर्यवंशी, सुनील पाल, एहसान कुरैशी आदि नामचीन कलाकार हैं। योद्धा की कोई जाति नहीं होती, योद्धा वही होता है जो दूसरे का खून बहाने से पहले अपने खून के बहने की परवाह नहीं करता। दोनी दिल से की है बात तो मन ये कहने लगा, मनवादियों को ये मंजूर नहीं था। उन्होंने वर्ण और जातियों का जाल बुना और इंसानों को ऊंच नीच और अछूतों में बांट दिया। दुनिया की सबसे क्रूर और बेबस गुलामी के शिकार अछूत अपनी मुक्ति के लिए छटपटाने लगे और जब अधर्म के पीढ़ियों में छटपटाती कौम हाथ में तलवार लेकर गलगार करने लगे, तब लड़ाई जाता है आत्मसम्मान का।